मैंने आपका वो BTS देखा आपका और शहरयार का वो गाने का बड़े मजे का था आई रियली लाइक्ड इट रियली या वाज इट नॉट फन इट वाज फन लेकिन उस वो BTS में स्पेसिफिकली क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं थोड़ा सा मैं मतलब सब लोग इतना जल्दी जल्दी सीख रहे थे क्योंकि सब इतने अच्छे डांसर्स हैं और मैं ज़रा वो टेंशन में थी कि अच्छा इसको ऐसे 1 2 3 1 2 3 दिमाग मेरे हो रहा था अभी भी रमशा ना बोलते हुए भी रमशा की ना 1 2 3 4 5 ये हो रहा था तो लेकिन वो बड़ा आप लग रही थी दैट यू वर रियली इंग्रोस्ड एंड यू वर ट्राइंग टू पिक अप द स्टेप्स या माय कंसंट्रेशन लेवल वाज इट वाज वेरी ऑब्वियस दैट यू लाइक BTS बनाओ कुछ करो मैं अपने स्टेप्स पे फोकस मैं का कोई एंगल्स कुछ नहीं मैं अजीब भी लग रही हूं और मुझे अपने स्टेप्स याद करने हैं अच्छा तो स्क्रिप्ट व्हाई डिड यू से यस टू दिस स्क्रिप्ट आई सेड यस टू दिस स्क्रिप्ट बिकॉज़ एक तो इट्स वेरी फिल्मी बहुत फिल्मी सी एक क्यूट सी कहानी है और फिर इसमें एक डांस भी है कहानी जो है इट्स लाइक लार्ज देन लाइफ तो आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं कर लूँ कि एक्चुअल फिल्म मतलब जो दो ढाई घंटे की फिल्म होती है वो कैसी होती है तो दैट इज़ वेल ऑल्सो वासे भाई ने लिखी है वन कैन नॉट मिस ऑन दैट मरीना जी का डेब्यू था उनके साथ मुझे बहुत टाइम से काम करने का अरमान था मरीना जी के साथ And then also wanted to work with Shahryar. Hmm. And then also like you know anthology wali jab baat mujhe batayi ki it's you know it's an experiment aur wo sab cheeze to maine kaha I want to be part of this. Ek alag hone ja raha hai hamare mulk mein to true. Kyun na? Aur jab bhi likha jayega to aapka naam aayega the first anthology exactly. movie of Pakistan. Ramsha Khan. Ramsha Khan was part of this. Acha mujhe batayi Ramsha recently kya kuch arse se aapke jo projects hain wo intentionally hua ya unintentionally hua उसमें आपके कैरेक्टर्स ऑलवेज हैव अ मैसेज तो यहाँ पे भी हम यही देखेंगे रुमैसा इज रिप्रेजेंटिंग थॉट प्रोसेस 100% जी जी बिल्कुल रुमैसा इज शी इज गोइंग टू बी अ होप नॉट जस्ट रुमैसा आई थिंक द होल स्टोरी विल हैव अ मैसेज आई थिंक तीनों ही कहानियों का ये है सिलसिला तीनों कहानियों में ही यू कैन टेक समथिंग होम विद यू यू नो तो इसमें जो है वो हमारी आजकल की बच्चों के लिए आजकल की जो लड़की है वो है रुमैसा शी इज अ मॉडर्न डे गर्ल एंड यू नो शी हैज़ अ पैशन फॉर सिंगिंग एंड शी जस्ट वॉन्ट्स टू फॉलो हर ड्रीम्स और किस तरह फिर वो पसूड़ी पड़ती है और उस पसूड़ी के बाद जब चीज़ें थोड़ी सी थम जाती हैं वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमारे लोगों के लिए सो ये फाइनली क्या एक चिक फ्लिक है पाकिस्तानी फीमेल्स के लिए आई वेल इट्स मोर ऑफ इट कुड बी अ चिक फ्लिक आई थिंक सारा बर्डन कॉमेडी का ज़्यादातर शहरयार पे है एंड ही डिड सो वेल तो देखें बस इट कुड बी अ चिक फ्लिक या शहरयार नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है शहरयार का कैरेक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वही बात है ना सोसाइटी में वुमेन या गर्ल्स कुछ भी करना चाहें सपोर्ट from around them, especially men has to come. Exactly. और मुझे लग रहा है कि शहरयार का character वो है जो बड़ा अच्छा role model होगा. बिल्कुल. For young boys and for men in our society. 100%. 100%. शहरयार के character का नाम सलमान है. और मैं कहती हूँ सलमान जैसा बंदा होना चाहिए हर किसी की ज़िंदगी में. Okay. और यार किसी की family में. Okay. So रुमैसा कौन है रुमैसा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या ब्रीफ दी थी आपको मरीना जी के साथ जब बैठी तो कैसे बोला उन्होंने क्या कहा कैसे परफॉर्म करो कोई चैलेंज था अ लिटिल बिट दैट यू वांट टू शेयर विद अस द प्रोसेस जिससे आपने रुमैसा को क्रिएट किया अपने जहन में और फिर परफॉर्म किया नहीं देखिए चैलेंज टू बी ऑनेस्ट तो नहीं था चैलेंज सिर्फ एक था वो था डांस एक ही है ना डांस एक डांस है जो कि पता नहीं अल्लाह रहम करें लोगों को अच्छा लगे ना लगे पता नहीं लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की वैसे जो कैरेक्टर है आई कुड रिलेट टू इट अ लॉट तो इट वाजंट रियली चैलेंजिंग फॉर मी ऑल्सो 6 दिन की शूट थी उसमें आप मतलब क्या एंड इट्स अ रोम कॉम तो मुझे लगता है अब मेरे दाएं हाथ का खेल बन चुका है लेकिन एज सच कोई चैलेंज नहीं था रुमैसा भी मैंने जैसे बताया कि मॉडर्न डे लड़की है एंड शी हैज़ अ पैशन एंड शी हैज़ ड्रीम्स दैट शी वांट्स टू लाइक फॉलो एंड शी इज़ गॉट अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स अपनी ज़िंदगी में जो उसको चीज़ें हैं जो अचीव करनी है उसने और वही बात है मैं ज़्यादा डिटेल दूंगी तो वो पसूड़ी खुल जाएगी ठीक है हम ज़्यादा डिटेल्स ही मांगेंगे बट एनीथिंग दैट यू कुड कनेक्ट विद रुमैसा पर्सनली यही चीज़ मैंने अभी पहले बोला था किसी को कि द फैक्ट दैट शी वॉन्ट्स टू फॉलो हर ड्रीम्स एंड द फैक्ट कि उसके पास उसके एक सपोर्टिव फियांसे हैं और सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं वो आई कुड रिलेट सपोर्टिव फियांसे नहीं है मेरा
लेकिन सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह जो अल्लाह की मर्जी, लेकिन सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं। मतलब भाई होगा ना इंशाल्लाह, इतना क्यों अल्लाह उससे क्यों बोला ना, दुखी मत, इतनी दुखी बात काम क्यों है, होगा 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 तो हो जाएगा, बस कर लेंगे चुप करके। इतनी नहीं मुझे आप लग रही, कर लेंगे चुप करके, और होना भी नहीं चाहिए। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट जब सही वक्त होगा तो इंशाल्लाह। उस पे हम आते हैं थोड़ी देर, मूवी खत्म करके मूवी के साथ बैठी हूँ और शादी पे बात ना हो सकता है। देखिए मैंने नहीं लाई है टॉपिक, क्या लाई ये तो है। बट सो हम कैरेक्टर की बात करते हैं, हाउ वाज दिस इज द फर्स्ट टाइम शरिया के साथ आप काम कर रहे हैं, बट मुलाकात तो पहले हुई होगी शरिया से? आई थिंक हार्डली एक दफ़ा हुई होगी हमारे कोई इवेंट्स में, लेकिन अजीब सी बात यह है कि इस फिल्म से पहले कोई दो महीने तक मुझे कोई 4 स्क्रिप्ट शरिया के साथ ऑफर हुई हैं। ओके और ये मुझे कभी नहीं हुआ है कि यूजली होता है कि एक हीरो के साथ होता है, अच्छा ठीक है, पर दूसरे तीसरे मुझे बैक टू बैक शरिया के साथ स्क्रिप्ट ऑफर हुई हैं ना, वैसे ये क्या हो? फिर मुझे पसूड़ी मिल गई, मैंने कहा अच्छा चलो एक कर ही लेते हैं, चलो बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा बट ये तो समझ आया और कर ही लेते हैं ना। मैंने शरिया से जब मिली रीडिंग सेशन के तब भी मैंने कहा कि एक अजीब सी चीज़ ये हुई है कि अचानक से हर जगह से, मतलब हर प्रोडक्शन हाउस से शरियार। तो उन्होंने भी कहा हाँ मेरे साथ भी ये हुआ है, पता नहीं। तो मतलब दोनों, आप दोनों ने मजबूरी में कहा कि यार इतना आ रहा है अब कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। मजबूरी है ना, अभी बहुत लव द स्क्रिप्ट, वी बहुत लाइक द स्क्रिप्ट एज वेल, बट एक अजीब सी चीज़ हो रही थी कि, और जब साइन भी किया उसके बाद भी एक और स्क्रिप्ट फिर साथ आई। So are we going to see you guys together again very soon? No, I'm waiting for my drama. Okay. मैं पहले वो आ जाए, but अभी तक तो नहीं, अभी तक पसूड़ी में ही हैं हम लोग। So how was working with Shahryar? और पहली मुलाकात जब सेट पे सीन आप लोगों ने शूट करना शुरू किया, क्या था? Anything interesting you can share with us? It was fun. He's a very intelligent actor, और क्योंकि माशाल्लाह से he's such a good director as well. वो बहुत क्रिएटिवली ना, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो मतलब उनका जो सीन को कैसे होना चाहिए, किसे होना चाहिए, सब डिस्कशन वो करते हैं। मेरा उनके साथ आई थिंक 3-4 दिन का काम था, और 4 दिन में ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी वेरी कंफर्टेबल। एक तो माशाल्लाह से हमारी इंडस्ट्री के सारे हीरोज जो है ना बहुत ही अच्छे हैं, ज़्यादातर जेंटलमैन हैं। चलें, दैट्स गुड टू हियर। या ही इज़ वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीबडी, लाइक यू नो एवरीबडी ऑन सेट, एंड इट वॉज फन, इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। एनी इंसिडेंट फ्रॉम द सेट जो आप शेयर कर सकें, कोई मज़े की कहानी, कुछ इंसिडेंट, कोई वाक्या हुआ? वाक्या तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, डांस के वक्त ही हो गया था, मेरा पाँव छिल गया था, और हमने जो 18 घंटे की शूट कर छोड़ दी है ना, मतलब डांस की, तो उस छिले हुए पाँव के ऊपर मैंने मोजे पहने, और मैं कहा कोई नहीं बैंडेज लगा। क्या कैसे हुआ वो? मैं नंगे पाँव डांस कर रही थी, आई थिंक वो शायद फ्रिक्शन की वजह से हो गया था, बट वो छिल गया था। और वो जो दिन था ना हमारा, वो हम लोग ने एक्चुअली, क्योंकि 6 दिन और इतनी गर्मी, और फिर हम सब, हमारी जो शॉर्ट फिल्म है वो सबसे लास्ट में शूट हुई है, तो प्रेशर एक था कि हमें जल्दी जल्दी करना है, तो हम सब बहुत फोकस थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मैनेज हुई पूरी शूट।